सबको अल्लाह ताला खैर बरकत और आफियत अता फरमाए, उनके उस माल में बरकत अता फरमाए जो इस माल में से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जिक्र की महफिलों के लिए खर्च करते हैं। अल्लाह ताला इनसे रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फरमाए, आमीन। और आप लोग जो दूर दूर से या करीब से आते हैं, अल्लाह ताला आपको भी इसका बहुत ज़्यादा अजर, जो लोग साहिब औलाद हैं उनके बच्चों में इसकी बरकत, उनके घरों में इसकी बरकत नाज़िल फरमाए, आमीन। तिलावत कलाम पाक पेश करने के लिए कहा गया है, उसी से आगाज़ कर रही हूँ अपने पढ़ने का। और अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है कि और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुने ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो इसलिए कोशिश करें कि बातों से गुरेज करें, दूसरी बच्चों की بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سبحان الله اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق हमदबारी ताला पेश कर रही हूँ तमाम लोग अल्लाह के जिक्र में बाबा से बुलंद शामिल हो जाइएगा। इसी मुनासबत से पेश कर रही हूँ कि जब इंसान खाने काबा जाता है और अल्लाह के दरबार की जियारत करता है, फिर उसमें तमाम मकामात का जिक्र है, इसमें याद हरम पेश कर रही हूँ। सब अल्लाह अकबर के सदाओं में बाबा बुलंद शामिल हो जाइएगा। काबे की रौनक काबे का मंजर, जितने लोग गए हैं अपने अपने सफ़र को याद करें और उस जगह का तसव्वुर बांधें। और ये मुश्किल नहीं है उन लोगों के लिए कि जो लोग जा चुके हैं, अल्लाह ताला जो नहीं है, अल्लाह ताला उनको बार बार अपने दरबार की हाजिरी उनको भी अता फरमाए, आमीन। लेकिन कोशिश करें आप बंद करके अपनी रूहों को खाने काबा भेज दीजिए, अल्लाह के घर भेज दीजिए और फिर उसका जिक्र कीजिए तो इंशाल्लाह बहुत लुत्फ आएगा पढ़ने में। काबे की रौनक काबे का मंजर, काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं अरे देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, बात
Oh.